गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, आप सभी को सुबह का नमस्कार। आपका ये जरोखा बुक है, इसका पेज नंबर 34। इस पे हम जो हमारे चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, पशु हैं, हमारे को क्या क्या खाना अच्छा लगता है। कोई मिठाई, किसी को मिठाई खाना अच्छा लगता है, किसी को फल खाने अच्छे लगते हैं, किसी को चीनी खानी अच्छी लगती है, किसी को मक्की खानी अच्छी लगती है। तो आप सोचो कि ये किस किस से प्राप्त होते हैं। आपका पेज नंबर 34 पे कुछ नाम लिखे गए हैं। आपको क्या करना है कि आपको जो पेड़ पौधों से हमें चीज़ें मिलती है, उस पे आपको उस गोल सर्कल लगाना है। कैसे? जैसे हमारा दूध हमें पेड़ से नहीं मिलता, गाजर, तो गाजर पे हरे रंग से सर्कल लगा दिया। चीनी किससे मिलती है? चीनी आपको मिलती है गन्ने से, यह भी पेड़ पौधे से है। पनीर, ये दूध से मिलता है। अंडे, रोटी किससे मिलती है? गेहूँ से। शहद, पालक हमें पौधों से, भुट्टा पौधों से, सेब पौधों से, दलिया भी गेहूं से बनता है, सरसों का तेल भी सरसों से निकलता है, प्याज भी पौधों से होता है, गुड़ गन्ने से बनता है, पपीता पेड़ के लगता है, मूँगफली पौधों की होती है। ये आपके जो मैंने हरे रंग के निशान लगाए हैं, ये सारे आपको पेड़ पौधों से मिलते हैं। अब आपको जो पशुओं से मिलते हैं, उन पे रेड सर्कल लगाने हैं। कैसे? ये देखो, दूध भैंस गाय भैंस से, पनीर दूध से मिलेगा, अंडे मुर्गी से, शहद मक्खियों से, मांस मछली, अच्छा फिर आपका है लस्सी, ये आपको किससे मिलेंगे? ये मिलेंगे आपको पशुओं से। इस प्रकार आपको और भी आगे यहाँ लिखना है, आप क्या क्या चीज़ आपको पसंद है वो चीज़ यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे आपका आ गया, जैसे आपको पसंद है गुलाब जामुन, लिख दिया गुलाब जामुन, ऐसे आप लिख सकते हो इसमें, ठीक है। इनको फिर नोटबुक पे लिखना है। आगे इसी में पेड़ पौधों और जंतुओं से मिलने वाली चीज़ों को हम किस प्रकार खाते हैं। पेड़ पौधों और जंतुओं से वे चीज़ें जिन्हें हम पका कर खाते हैं, गेहूँ से रोटी बनती है, और किस चीज़ पकाते हैं, सब्जी भी पकाते हैं। इसी प्रकार जो पका के खाने वाली चीज़ें वो इसमें लिखोगे, सेब केला संतरा वो इसमें लिखोगे, और जिनको कच्चा खा सकते हैं गाजर मूली वगैरह इसमें लिखोगे। तो ये आप ध्यान से लिखना। और आपको बताऊँ, जब भी आप बाज़ार से कोई पैकेट लेते हो, कोई भी चीज़ आप बाज़ार से लेते हो खाने पीने की, उस पर एक पैकेट पे एक निशान होता है, दूध के पैकेट पे इस प्रकार का, या खाने पीने की कोई भी चीज़ है, इस प्रकार का ये निशान है, गोल निशान होता है। अगर हरे रंग का है, आप ध्यान करना, हरे रंग का है तो वो हमारे पेड़ पौधों से बने हुए हैं। अगर किसी चीज़ पर लाल रंग का है, तो उसमें हम पशुओं के, या हमें जो मांसाहारी चीज़ है उससे बनी हुई है। तो ये ध्यान रखना। ओके, ठीक है, अपनी नोटबुक पे भी लिखना।